आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही 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 आसरा। हे MSG, आप जी से अरदास है कि हमारे MSG संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हमारे गुरु हम सब के बीच देह रूप में जल्दी से जल्दी आएं और हमें अरबों गुना खुशियां बख्शें जी। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोने परम पिता शासत नाम जी, करु विनती सुभार श्याम जी। हर श्वास में मेरे सतगुर रहूं जपता तेरा ही नाम जी। सोने परम पिता शासत नाम जी, करु विनती सुभा हर श्याम जी। सोने परम पिता शासत नाम जी, करु विनती सुभा हर श्याम जी। हर श्वास में मेरे सतगुर रहूं जपता तेरा ही नाम जी, रहूं जपता तेरा ही नाम जी, रहूं जपता तेरा ही नाम जी। जब दर्शन तेरा पाया रूह रूपी कमल मुस्काया, जब दर्शन तेरा पाया रूह रूपी कमल मुस्काया, तक नूरी सोना मुखड़ा मस्ती का पी ले जाम जी। हर श्वास में मेरे दाता रहूं जपता तेरा ही नाम जी, रहूं जपता तेरा ही नाम जी। सारी संगत को पास बिठाते खुद हंसते सबको हंसाते, सारी संगत को पास बिठाते खुद हंसते सबको हंसाते। प्यारी मीठी बातें आपकी सच खंड का दे पैगाम जी। हर श्वास में मेरे दाता रहूं जपता तेरा ही नाम जी, रहूं जपता तेरा ही नाम जी। दुनिया का बंधन तोड़ा अपने चरणों से जोड़ा, दुनिया का बंधन तोड़ा अपने चरणों से जोड़ा। प्रीत ओढ़ निभाना सबकी
सारी संगत का ये अरमान जी, हर श्वास में मेरे दाता रहूं जपता तेरा ही नाम जी। जीवा तेरे ही गुण गाए और लफ्ज जुबां पे ना आए, जीवा तेरे ही गुण गाए और लफ्ज जुबां पे ना आए, तेरी याद कभी ना भूले हम सबको दो वरदान जी, हर श्वास में मेरे दाता रहूं जपता तेरा ही नाम जी। सब काम रहे आप कर जी, दुख सब के रहे हो हर जी, सब काम रहे आप कर जी, दुख सब के रहे हो हर जी, सुख पाए खुशियां माने वचनों को सुने दे ध्यान जी, हर श्वास में मेरे सतगुर रहूं जपता तेरा ही नाम जी, रहूं जपता तेरा ही नाम जी। सब कुछ देते बदले में कुछ ना लेते, बिन मांगे सब कुछ देते बदले में कुछ ना लेते, जीव आपको दे क्या सकता, आप मालिक दोनों जहान जी, हर श्वास में मेरे सतगुरु रहूं जपता तेरा ही नाम जी। हम पर किए जो एहसान जी, जीबा कर नहीं सकती बयान जी, हम पर जो किए एहसान जी, जीबा कर नहीं सकती बयान जी, दोनों जहां के माँ हम पर किए जो एहसान जी, जीबा कर नहीं सकती बयान जी, मेरे शाह सतनाम जी प्यारे क्या तुझ पे करूं कुर्बान जी, हर श्वास में मेरे दाता रहूं जपता तेरा ही
नाम जी, रहूं जपता तेरा ही नाम जी, सोने परम पिता शासत नाम जी, करूं विनती सुबह और शाम जी, हर श्वास में मेरे सतगुर, रहूं जपता तेरा ही नाम जी, रहूं जपता तेरा ही नाम जी, हाँ रहूं जपता तेरा ही नाम जी, रहूं जपता तेरा ही नाम जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। मैं तो प्रेम में तेरे रंग जाऊंगी, तेरे चरणों में सारी उमरिया बिताऊंगी जी। मैं तो प्रेम में तेरे रंग जाऊंगी, तेरे चरणों में सारी उमरिया बिताऊंगी। वचन गुरु के ऊपर चल के, वचन गुरु के ऊपर चल के, बैठूंगी मैं द्वारा मल के, लाज गुरु जी रख लेना मेरी, तेरा ही है सहारा मुझको। किए बचन जो सिर पे निभाऊंगी, तेरे चरणों में सारी उमरिया बिताऊंगी। पापां दे नाल आत्मा भरी सी, विषे विकारां मेरी अकल हरी सी, पापां दे नाल आत्मा भरी सी, विषे विकारां मेरी अकल हरी सी, सतसंग दे विच आके मैं जी, और उत्तम तीरथ विच नाके, मैल जन्म जन्म की मैं लाऊंगी, तेरे चरणों में सारी उमरिया बिताऊंगी जी। मैं तो प्रेम में तेरे रंग जाऊंगी, तेरे चरणों में सारी उमरिया बिताऊंगी। मेहर करी गुरु दयालु मेरे, काटे फंद चौरासी के गेड़े, मेहर करी गुरु दयालु मेरे, काटे फंद चौरासी के गेड़े, और सारे परहेज मैं रख के, नाम शब्द की खाके दवाई
घर अपने मैं, घर अपने मैं सचखंड जाऊंगी, तेरे चरणों में सारी उम्र बिताऊंगी। दासी पे बड़ी मेहर करी जी, जेल 84 में आत्मा पड़ी थी। दासी पे बड़ी मेहर करी जी, जेल 84 में आत्मा पड़ी थी। शाह सतनाम जी गुरु किया निस्तारा, इस डूंगे भव जल सागर चो जी, मैं तो सारी ही उम्र गुण गाऊंगी, तेरे चरणों में सारी उम्र बिताऊंगी जी, मैं तो प्रेम में तेरे रंग जाऊंगी, तेरे चरणों में सारी उम्र बिताऊंगी, तेरे चरणों में सारी उम्र बिताऊंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जंगल बेले कुम कुम वेके तवेखी कुल लुकाई, आम जो सच्चा सौदा डिटा मेरे अंदरों आवाज आई। बेपरवा बेपरवा शनशाद तार दे, बेपरवा शनशाद तार दे, सदके मजामा सच्ची सरकार दे, सदके मजामा सच्ची सरकार दे, बेपरवा शनशाद तार दे, सदके मजामा सच्ची सरकार दे, सदके मजामा सच्ची सरकार दे। आ जंगल च मंगल लगाया शहरशाह, जंगल च मंगल लगाया शहरशाह, धरती नु सुरग बनाया शहरशाह, जंगल च मंगल लगाया शहरशाह, धरती नु सुरग बनाया शहरशाह, वड पागी बन दे, वड पागी बन दे जो गुरु उतार दे, सदके मजामा सच्ची सर कर दे, सदके मजामा सच्ची सरकार दे। बेपरवा ने सच्चा सौदा साजिया, बेपरवा ने सच्चा सौदा साजिया, कुल मालिक आण के विराजिया, बेपरवा ने सच्चा सौदा साजिया, कुल मालिक आण के विराजिया, पापिया नू ए पापिया नू बाहों फड़ फड़ तार दे, पापिया नू फड़ 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 तार दे, सदके मजावा सच्ची सरकार दे, बेपरवाजी शहनशाह दा तार दे, सदके मजावा सच्ची सरकार दे। Thank you.
अल्लाह कौन राम किवें मिलदा कौन अल्लाह कौन राम किवें मिलदा किस बिध दिल दा कमल खिलदा किस बिध दिल दा कमल खिलदा भाई कौन अल्लाह कौन राम किवें मिलदा किस बिध रूह दा कमल खिलदा सच ते धर्म बारे प्रचार दे सच ते धर्म बारे प्रचार दे सदके मजावा सच्ची सरकार दे बेपरवाजी शहरशाह दा तार दे सदके मजावा सच्ची सरकार दे बूटा सत मस्ताना जी ने लाया सी जेड़ा बूटा मस्ताना जी ने लाया सी अज ओह बाग बन के सुहाया जी अज ओह बाग बन के सुहाया जी फुल ने हजारा मैं का खिलार दे फुल ने हजारा मैं का खिलार दे सदके मजावा सच्ची सरकार दे बेपरवाजी शहनशाह तार दे सदके मजावा सच्ची सरकार दे सिफत करा की शाह सतनाम दी सिफत करा की शाह सतनाम दी शान है निराली सच्चे सच काम दी सिफत निराल आराम नाल सिफत करा की सच्चे सिफत करा की शाह सतनाम दी शान है निराली सच्चे सौदे धाम दी सिफत करा की शाह सतनाम दी शान है निराली सच्चे सौदे धाम दी हर पल रहिंदे शुक्र गुजार दे हर पल रहिंदे शुक्र गुजार दे सदके मजावा सच्ची सरकार दे बेपरवा शहनशाह तार दे बेपरवा शहनशाह तार दे सदके मजावा सच्ची सरकार दे सदके मजावा सच्ची सरकार दे सदके मजावा सच्ची सरकार दे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मिलिया जद तो सतगुर सानू मुक गईयां मजबूरियां मिलिया जद तो सतगुर मैनू मुक गईयां मजबूरियां रमिया राम मैं हर था तकिया हाथ होया दूरियां मिलिया जद तो सतगुर सानू मुक गईयां मजबूरियां संग मन नू जोड़ो छड़ो साथ कराहे दा छड़ो साथ कराहे दा सर्वलवासी दे गुण गाओ ए सौदा है लाहे दा ए सौदा है लाहे दा सच ता जद तो बन चुक माया होया ने मशहूरिया मिलिया जद तो सतगुर मैनू मुक गया मजबूरिया
ਸੱਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧੰਦਾ ਏ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧੰਦਾ ਏ, ਰੰਗਿਆ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਉੱਤਮ ਬੰਦਾ ਏ, ਉਹੀ ਉੱਤਮ ਬੰਦਾ ਏ। ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਸ ਓ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਝੁਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ। ਪਰਿਆ ਗੁਜਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਲਵੇ, ਸਦਾ ਪੰਡਾਰੇ ਪਰੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਟ ਪਵੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਟ ਪਵੇ। ਸਾਰਾ ਆਪਾ ਇਸ ਦਰ ਜਿਸਨੇ ਹੋਈਆਂ ਸਦਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ। ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਲ, ਛੱਡੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਲ, ਮੁੜੋ ਸੁਵਾਲੀ ਏਸੇ ਦਰ ਦੇ, ਛੱਡੋ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਲ, ਛੱਡੋ ਦਰ ਦਰ ਜਾਣਾ ਪਲ। ਕੰਤ ਸੁਨੇ ਹੀ ਜੇ ਬਸ ਕਰਨਾ ਦੇਵ ਛੱਡ ਬਗਰੂਰੀਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ। ਹੋਰ ਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ, ਆਤਮ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਕੱਟ ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ, ਅਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਕੱਟ ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ, ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਿਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇਥੋਂ
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बार बार सजदे करां नाले संगतां नूं सीस झुकावां, बार बार सजदे करां नाले संगतां नूं सीस झुकावां, अपनी मैं जिंदड़ी नू एना संगतां तो खोल कमावां, बार बार सजदे करां। पुठे लेख सिद्धे हो गए जदों चाली के संगत विच आया, हाँ लोहा जट सोना हो गया जदों पारस दे नाल लगाया, जन्मा दे रोने मुक गए, जन्मा दे रोने मुक गए, अते लथियां ने सिर तो बलावां, बार बार सजदे करां नाले संगतां नूं सीस झुकावां, अपनी मैं जिंदड़ी नूं एना संगतां तो कोल घुमावां, बार बार सजदे करां।
ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਸੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੋਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਐਸੀ ਦਾਤਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰ ਐਸੀ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਵਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਆਲਮਾਂ ਇਲਮ ਨਿਕੰਮੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਜਸ ਲੈਣਾ ਚ ਸਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ ਘੁਮਾਵਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਜੀਵਣੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨਾਮੀ ਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਖੁਦ ਖੂਨ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਕਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੂਰੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਵਗਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੱਲੀ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਮੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਮਗਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨੂਰੀ ਪਾਟੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨੂਰੀ ਪਾਟੀ ਹੈ ਆਇਆ ਤਰਸ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੈ ਮੌਲਾ ਆਲਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਨੇ ਚੱਖਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਮ ਜਿਨੇ ਚੱਖਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਏ ਆਪੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜਾਮ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਹੈ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੇ ਦੱਸ ਪਈ ਡਾਕ ਵਾਲਿਆ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਆਇਆ
दस पाई डाक वालिया वे दस पाई डाक वालिया वे दस पाई डाक वालिया वे दस पाई डाक वालिया हर वेल रेंदी मैनू ओन दी उड़ीक जी हर वेल रेंदी मैनू ओन दी उड़ीक ओदी याद ने बड़ा तड़पाया बड़ा तड़पाया वे दस पाई डाक वालिया 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 वे आज महिया जावे ओ आज साईया जावे वे आज महिया जावे ओ मेरे साईया जावे वे आज महिया जावे ओ आज साईया जावे वे आज महिया जावे ओ मेरे साईया जावे खत नहीं आया ते खुद आप होंगे आके जरूर ओ बहाना कोई बनोंगे आके जरूर ओ बहाना कोई बनोंगे खैर हो वे क्यों इन्ना चेर लाया क्यों इन्ना चेर लाया वे दस पाई डाक वालिया 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 प्राण जिंद दिन ते ईमान जी तेरे प्यार नाल मेरा फसदा जहान जी तेरे प्यार नाल मेरा फसदा जहान आए अपना पत्थर कोई पाया पत्थर कोई पाया वे दस पाई डाक वालिया 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 मेरे गुरु दा पत्थर कोई आया मेरे गुरु दा पत्थर कोई आया वे दस पाई डाक वालिया 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 वे आज महिया जावे ओ आज साईया जावे वे आज महिया जावे ओ मेरे साईया जावे वे आज महिया जावे ओ आज साईया जावे वे आज महिया जावे ओ मेरे साईया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा आ
जिसका हल नहीं, ऐसा ही सवाल है तू, तेरी क्या मिसाल दे, बेमिसाल है तू, तेरा कमाल ही, तेरा कमाल दुनिया के हर कमाल में है, ये शान है तेरी मेरे सतगुरु, हर शान में कमाल है तू। जाम पिलाने की प्रथा जो मेरे मुर्शिद जी ने चलाई, नई नहीं ये रीत पुरानी, चली आदिकाल से आई। जा गुरु इंसान देता मस्ती खुशी लासानी, शासत नाम जी पिलाए साकी, आला जाम रूहानी, ये लॉकेट इंसा का जी गले में पहन रखो, ये लॉकेट इंसा का इसे गले में पहन रखो, मुर्शिद की निशानी है, मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो, मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो, ये लॉकेट इंसा का इसे पहन सदा रखो, ये लॉकेट इंसा का मुर्शिद की निशानी है, मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो, मुर्शिद लॉकेट ये दिखावा नहीं इंसानियत याद कराता है, लॉकेट ये दिखावा नहीं इंसानियत याद कराता, 47 नियमों को दम दम अपना रखो, मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो, मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो, रहेंगे परम पिताजी ने बताया, हम ते हैं रहेंगे परम पिताजी ने बताया, हर पल अंग संग है दी, हर पल अंग संग है दी, श्वास श्वास में ध्यान रखो, मुर्शिद की निशानी है, सीने से लगा रखो, मुर्शिद की निशानी है, सीने
हमें इंसान जाम पिला इंसान बनाया है, हमें इंसान इंसान जाम पिला इंसान बनाया है। अच्छाई की राहों पर, अच्छाई की राहों पर सदा कदम बढ़ा रखो, अच्छाई की राहों पर सदा कदम बढ़ा रखो, मुर्शिद की निशानी है सीने से लगा रखो। आ नहीं सकती और जिसको तू नवाज दे उसे दुनिया मिटा नहीं सकती, जितनी भी बुराई है उन सबको मिटाना है, जितनी भी बुराई है उन सबको मिटाना है। मशाल सच्चाई की, मशाल सच्चाई की हर वक्त जला रखो, मशाल सच्चाई की हर वक्त जला रखो। कोई नफरत भी करे तो उसे जीतो मोहब्बत से, कोई नफरत भी करे तो उसे जीतो मोहब्बत से, क्योंकि नफरत जो करता है उसे नफरत ही मिलती है, नफरत जो करता है उसे नफरत ही मिलती है, और प्रेम करे जो आपस में खुशियां ही खुशियां मिलती है। कोई नफरत भी करे तो उसे जीतो मोहब्बत से, कोई नफरत भी करे तो उसे जीतो मोहब्बत से, नियम सच्चे सौदे के, नियम सच्चे सौदे के प्रेम सबसे बना रखो, नियम सच्चे सौदे के प्रेम सबसे बना रखो। मुर्शिद की निशानी है सीने से लगा रखो, मुर्शिद की निशानी है सीने से लगा रखो। नहीं करना चाह सतनाम जी कहे सबको, बुरा कर्म नहीं करना चाह सतनाम जी कहे सबको, और बुरा कर्म नहीं करना चाह सतनाम जी कहे सबको, बुरा कर्म नहीं करना चाह सतनाम जी कहे सबको। साध संगत में किया वादा, साध संगत में किया वादा मन को समझा रखो, मुर्शिद की निशानी रा सीने से लगाना है, सीने से लगा रखो। कहे नीत धर्मों में सौगंध ये बताई है, कहे मीत धर्मों में सौगंध बताई है, सिर जाए
सिदक न जाए ये कसम है खा रखो अमर शुद्ध की निशानी है सीने से लगा रखो अमर शुद्ध की निशानी है सीने से लगा रखो ये लोग तीन साता इस बहन सदा रखो ये लोग तीन साता इस बहन सदा रखो अमर शुद्ध की निशानी है अमर शुद्ध की निशानी है सीने से लगा रखो मुर्शिद की निशानी है मुर्शिद से लगा रखो मुर्शिद की निशानी है सीने से लगा रखो धन धन सतगुरु तेरे आज का दिन वो दिन जिस दिन शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने सच्चे सौदे की नींव रखी वो दिन जिस दिन की वजह से आज करोड़ों लोग नशा छोड़ के बुराइयां छोड़ के नरक से स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं तो साईं दाता रहबर मालिक बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के परोपकार या महापरोपकार कोई भी शब्द इस्तेमाल में लाएं बहुत बौना और छोटा लगता है पर फिर भी जितने शब्दों की शक्ति है उसके अकॉर्डिंग इस महान परोपकार के लिए आप सबको उस मुर्शिदे कामिल दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी महाराज से बहुत खुशियां मिलें और बहुत बहुत आपको ये दिन मुबारक हो इसी के साथ शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर का एक और परोपकार रूहानी जाम जामे इंसान और जिसको पीने से पता नहीं कितने लाखों बीमार ठीक हुए हैं जिसको पीने से आनंद में जीवन की शुरुआत बड़ी जल्दी हो गई जिसको पीने से बरकतों के ढेर लग गए जिसको पीने से जीने का ढंग आने लगा और जिसको पीने से समाज में जबरदस्त बदलाव आया उस रूहानी जाम की बरसगांठ पे भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद स्थापना दिवस पे भी बहुत बहुत मुबारकबाद रूहानी जाम या स्थापना दिवस परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने जो फरमाया हम थे हम हैं हम ही रहेंगे उन्हीं के रहमो कर्म से ही सब कुछ हुआ बहुत लोगों ने पूछा गुरु जी क्या आपने कई साल कई महीने पहले प्लानिंग शुरू की थी कि रूहानी जाम पिलाएंगे हमने कहा नहीं बस चंद दिन पहले ख्याल सतगुरु मौला ने सत्संग में दिया और हमने ये बोल दिया कि सेवादार सेवादारों की मीटिंग पे जरूर आए उस दिन आपके लिए कोई खास खुशी होगी यहां तक हमें याद है बेपरवाह जी ने यही वचन उस दिन भी करवाए थे कि आप जरूर आए जो सेवादार नहीं आए उनको भी बताएं और उसी दिन आज के दिन रूहानी जाम की शुरुआत हुई थी सतगुरु मौला जो शुरुआत करवाते हैं बड़ी गजब होती है पहले सच्चा सौदा बनाया तो लोगों को शक पड़ गया यार ये साईं मस्ताना जी हड्डा रोड़ी
यहां पशु मरने के बाद फेंके जाते, उनकी हड्डियां हो जाती हैं, वहां बैठ जाते और सोने की चीजें निकाल निकाल के लोगों को देते रहते, कभी शमशान भूमि में, फिर आश्रम बना लिया। क्या खेल खेली साईं दाता रहबर ने और खेले ही जा रहे हैं। मकान बना लिया, ढालिया बना लिया, ढालिया बना लिया, ढालिया। और हैरानी होगी आप में जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, अगर आपको हैरानी होती है तो उस समय के यहां सत्संगी बैठे होंगे, आप पूछ सकते हैं होता क्या था। एक मकान ढा दिया और जब उन्हीं ईंटों को उठा के दूसरा मकान बनाते थे तो ईंटें दुगनी हो जाती थी, दो मकान बन जाते थे। दो को ढा के बनाते तीन चार बन जाते। तो सेवादारों ने बोला, साईं जी ऐसा हो रहा है। साईं जी ताली मार के हंस पड़े, कहते बरी अपनी ईंटें भी बच्चे देती है। अब आपको यकीन नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि आज भी ऐसा ही हो रहा है। बिहार में जब बाढ़ आई थी तो यहां से 15 कैंटर या 10 कैंटर भर के सामान के भेजे गए। उन्होंने एक धर्मशाला में या तहसीलदार का कोई जगह थी, वहां बड़े हॉल में सब उतार लिए। टीमें बना के जब अलग अलग जगहों पे बांटा गया, आप उन सेवादारों से, शायद वो नेपाल में चले गए होंगे, हो सकता कोई बैठा हो, तो उन्होंने कम से कम 25 कैंटर भर भर के बांट दिए, चादर से ढांपे रखा, लेकिन सामान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेके 15 गए थे, 25 बांट दिए। लगे रहे सामान बांटते रहे, लगे रहे सामान बांटते रहे। अब सारी जगह सामान पूरा आ गया, जितना एरिया था वो चादर देखे ढेर उतने का उतना। उन सेवादारों ने यहां सत्संग में भी सुनाया था कि हमने फिर अरदास करी कि हे मालिक, हे सदगुरु, हमने भी घर वापस जाना है। और यहां से अन्यास शाह सतनाम शाह मस्तान दाता जी ने हमसे कहलवा दिया कि जब तक सामान खत्म नहीं होगा आना मत, और चद्दर से ढांप के रखना। तो अब चद्दर भी नहीं उठा सकते और सामान खत्म नहीं हो रहा, 25 कैंटर बांट दिए, दिन कई हो गए। तो सारों ने बैठ के प्रार्थना करी, अरदास करी कि मालिक रहमत कर, घर वापस जाना महीना हो गया, 25 दिन हो गए, अब सामान नहीं, सबको बांट दिए, फिर भी पड़ा, क्या करें। बस जैसे सिमरन करके आधा घंटा सिमरन किया या प्रार्थना की, जैसे ही कैंटर भरने लगे, बस एक ही कैंटर बना, सामान खत्म और सामान बांट के वापिस आ गए। तो साईं मस्ताना जी महाराज और शास्त्र नाम जी दाता रहबर के वो वचन, हम थे हमें हम रहेंगे, वही तो करवा रहे हैं, वैसा ही तो हो रहा है। तब लोगों ने बड़ा कहा, यार ये सच्चा सौदा बना है, ये जरूर पाकिस्तान का जासूस है, ये तो फलां जगह का जासूस है, फलां जगह का जासूस है, नोटों वाली मशीनें रखता है, नए नए नोट बांटता रहता है। बड़ी इंक्वायरियां हुई, बड़ा कुछ किया गया, पर नहीं, ऐसा था ही नहीं, कुछ तो आएगा कहां से कुछ। फिर गुरगद्दी के समय तो लोगों ने तरह तरह की चीजें, कोई हर कोई गुरु बन के बैठ गया, जिसे देखो गुरु, मैं 700 हूं, मैं 800 हूं, मैं 600 हूं, मैं 500 हूं, सबने धोती कमान कस ली भाई। पर जिसको गुरु बनाया, गुरु तो वही होगा ना, दूसरा कैसे होगा। अब पदवी दे दी तो उसमें खुशियां दी थी, पर अहंकार से संभाली नहीं गई, किसी को 500 मस्ताना, 400 कि भाई ये नंबर दे दिए तेरे को, तो उससे खुशी आनी थी, पर वो अहंकार में मस्ताना जी का ही रूप बन गए कि हम तो मस्ताना जी हैं। वो तो रूप तो जिसे बनाते वो ही बनता है, ऐसे धक्के से बनाने से नहीं बनता ना। पर साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने जो वचन फरमाए, हम थे हम हैं हम रहेंगे, तो वो ज्यों के त्यों चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आज क्या आप मान सकते हैं
कि कल को अगर 1 लाख यूनिट चाहिए ब्लड डोनेट, तो हमारे इन बच्चों ने, साथ संगत ने 1 लाख फार्म ऑलरेडी भर चुके हैं कि 3-3 महीने के बाद 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम कोई अपनी मशहूरी नहीं कर रहे, बहुत लोगों को डर लगा हुआ है। गुरुजी आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग तो इनको बहुत मानने लगे। अरे फिर भी हमने कोई राजा थोड़ी ना बनना है, हम तो ऐसे ही सेवादार हैं और ऐसे सेवादार रह के समाज को बदलने के लिए हाथ जोड़ते रहते हैं, सारे धर्मों को मनवाते हैं, किसी धर्म की निंदा चुगली नहीं करते कि हर धर्म अच्छा है। अब पानी कह दो तो अच्छा है, और जल बुरा है, वाटर बुरा है, आप बुरा है, नहीं ना। अगर पानी स्वादिष्ट है, उसी गिलास को पानी समझ के पी लो, जल कह के पी लो, वाटर आब कह के पी लो, वो प्यास बुझाएगा, स्वाद एक जैसा देगा, ठंडक पहुंचाएगा। तो उसी तरह हमारे धर्मों में अल्लाह वाहिगुरु राम से, गॉड से जोड़ने की प्रेरणा है, कहीं तकरार नहीं, कहीं झगड़ा नहीं, कहीं निंदा चुगली नहीं। तो साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया, इसकी नींव रखी। कहने लगे भाई आप तो मेहनत की कमाई किया करेंगे, अब पशु थे दूध के लिए, कुछ कुछ वैसे आवारा पशु घूमते, कुछ जंगलात के पशु थे, सेवादार उनका गोबर इकट्ठा करते और उपले पाथियां, पंजाबी जी कहते पाथियां, उस गोबर की बनाते और एक जीप भर के शहर में सरसा में राउंड लगाते, उपले ले लो भाई उपले, सच्चे सौदे के उपले। तो लोग बड़ी खुशी खुशी खरीदते, तब गैस चूल्हा तो होता नहीं था, वनछटी से या इन उपलों से ही आग जलाई जाती थी, तो वो बेचते, जो जमीन थी उस पर खेतीबाड़ी करते और साईं जी रहमो करम के नजारे दिखाते ही रहते। कई बार लोग मेहनत करते, सेवा करते, मकान पे सारा दिन लगे रहते, हाँ शावा पुत्र शावा बेटा आपको कोक खिलाएंगे, सारे खुश हो जाते कि भाई नई चीज खिलाएंगे। होता क्या, आटे में थोड़ा गुड़ घोल के मोटे मोटा आटा थेपड़ियों में लगा के और अंदर फेंक दिया जाता और वो बन जाता, जब मोटा मोटा रोट कहते हैं जैसे पंजाबी में रोट, वो बन जाता मोटा मोटा और शाम को सबको दिया जाता, ले भाई को खाओ। अब जो श्रद्धा दृढ़ यकीन वाले वो खाते तो उनके रो कट जाते और कई किंतु परंतु में ही रह जाते, वो किंतु परंतु में ही रह जाते, क्योंकि उनमें सेवादार बताते हैं कि जैसे हम खाते जाते सिमण में जो मन लगता, जो नजारे आते, जो लज्जतें आती, वो कहने सुनने से परे। तो साईं जी ऐसे खेल खेला करते, ये सच्चा सौदा कोई पार्टी या नया धर्म नया मजहब नहीं है, ना था ना होगा, ना ये कोई राजनीतिक मंच है, था ना होगा। कोई यहां राजा बनने के लिए नहीं कर रहे, हाँ समाज के सुधार के लिए दिन रात सारे एक किए हुए हैं। समाज में बदलाव आए, समाज का भला हो, वो कार्य दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत उस परमपिता परमात्मा से, अल्लाह राम मालिक से बढ़ती जा रही है और यही उससे दुआ है, दिन दुगनी रात चौगनी आपकी प्रीत उस परमपिता परमात्मा से बढ़े और सैकड़ों गुना वो आपकी झोलियां भरते रहें, बरकतें डालते रहें, नेकी के राह पे चलाते रहें, यही उनसे दुआ है। ये एक ऐसी जगह साई मस्ताना जी महाराज ने बनाई, यहां 4 लोग बैठे हैं कहेगा अल्लाह तो दूसरे भी सिर झुकाएंगे, दूसरा बोलेगा वाहिगुरु तो अल्लाह वाला भी सिर झुकाएगा, तीसरा कहेगा राम तो अल्लाह वाहिगुरु दोनों ही सिर साथ झुकाएंगे, चौथा कहेगा हे गॉड तो चारों ही सिर झुकाएंगे।
यही एकमात्र जगह है, वरना तो कई जगहों पे ऐसा होता है एक दूसरे के स्थान पे जाते नहीं लोग, जाते हैं तो फिर राम राम गाते नहीं लोग। हम मस्जिद में जाके कोई राम राम नहीं गा सकता, मंदिर के अंदर आके कोई अल्लाह हु नहीं बुला सकता, बिच गुरुद्वारे आके कोई गॉड गॉड नहीं गा सकता, और चर्च में जाके कोई वाहिगुरु फतेह नहीं बुला सकता। दुनिया में ये है, देख लो। ऐसा एक बार साईं जी ने किसी को भेज दिया, सत्संगी थे, हिंदू भाई थे, धोती बांधी हुई थी, कहते जा मस्जिद में सजदा करा। वो मस्जिद में सजदा करने चला गया, परम पिताजी ने भी एक बार ऐसा खेल खेला, तो वो सजदा करने चला गया। जैसे सजदा करके वापस हुआ, उसके पीछे पीछे बाल्टी और झाड़ू लेके लोग मस्जिद को साफ करने, कहते हो गंदा बंदा आ गया। तो हम ये किसी धर्म मजहब की निंदा नहीं कर रहे, कि ऐसी धर्मों में लिखा नहीं है ऐसा कुछ भी कि ऐसा करो। अब गुरु साहबानों की बात सुन लो, क्या कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, पवित्र गुरुवाणी में क्या शब्द आ रहा है, वाहिगुरु नहीं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मानते। और पवित्र गुरुवाणी में राम शब्द सबसे ज्यादा आया है। कोई सज्जन पढ़ ले, हमने तो पढ़ा है पवित्र गुरबाणी को, पवित्र गीता को, चारों पवित्र वेदों को, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, बहुत से पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, तो राम शब्द सबसे ज्यादा है। तो बताइए है ना रूहानी सूफी संतों की बात सच्ची, कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। धर्म ये सिखाते हैं जो साईं मस्ताना जी महाराज बताए। हिंदू धर्म में क्या कहा है कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, मालिक ने काल महाकाल की रचना की, ब्रह्मा जी को बनाया, सृष्टि की रचना हुई, तो इस धरती पे संभय मनु और औरत सतरूपा, संभय मनु औरत सतरूपा, ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्रियां, उससे आगे मनुष्य की जात बढ़ती गई, इसलिए हमारी जात को कहते हैं हिंदू धर्म में मनुष्यता। इस्लाम धर्म में लिखा है कि आदम और हव्वा इस धरती पे भेजे गए या निकाले गए, या जो भी थ्योरी है कि उनसे ही हमारी जात बनी, इसलिए हमारी जात को कहते हैं आदमियत। और सिख धर्म में गुरु साहबानों ने कहा मानस की जात सब है एको पहचान वो, हमारी जात मानस है सबको एक समझो। ईसाई धर्म में भी है द गॉड इज वन हिमिटीज अवर कास्ट, बात वही है, भाषा बदलती गई, हम सब एक हैं, इंसानियत हमारी जात है। आपको लगा कहीं फर्क, कहीं लगा कि किसी धर्म में कुछ अलग लिखा है? अब जैसे जंगल है, उस जंगलात में शेर घूम रहा है, चीता है, नील गाय है, खरगोश है, हिरण है, और बहुत से पशु घूम रहे हैं, तो क्या जब आप किसी को बताओगे जंगल में घूम रहे, क्या बोलोगे, शेर घूम रहे, चीता, हाथी? नहीं, क्या कहोगे आप, पशु घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, क्योंकि उन सब की जात है पशु या जानवर। पेड़ पे तरह तरह के पक्षी बैठे हैं, आप बोलोगे अलग अलग, यार पेड़ पे क्या बैठा है, आप बोलोगे काग बैठा है, कबूतर बैठा है, फला फला फला, नहीं, क्या बोलोगे, पक्षी बैठे। उसी तरह हमारी जात इंसानियत आदमियत है। यहां किसी को माइक पे खड़ा कर लो, वो क्या बोलेगा, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुजुर्ग मां बाप की समान बुजुर्गों, मेरे बच्चों के समान बच्चों, वो ये तो नहीं बोलेगा मेरे हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों, बोलेगा कोई नहीं, बोलता, बोलने में भी मान लेते हैं कि हम सब एक हैं।
लेकिन जब अकेले होते हैं एक धर्म वाले, वहां कोई घूमता अपने वाला मिल जाए, ओ अपने वाला, इसका मतलब बाकी किसके वाले हैं? पक्का देखा है हमने, ओए अपने वाला भी इधर है, अरे सारे ही अपने हैं, तेरी समझ में नहीं आता। किसी एक दूसरे के ब्लड लगाओ, ब्लड ग्रुप सेम है, हिंदू का खून मुस्लिम के, मुस्लिम का सिख के, सिख का ईसाई के, एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे को लग सकता है, तो बताओ फिर एक दूसरे में फर्क कहां है? क्या पशु का खून आदमी के लगता है? अभी तक तो लगता नहीं है और ना ही लगे, वरना आदमी सारे पशुओं को निचोड़ लेगा। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज ने जो रूहानी जाम चलवाया शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने, और इस एके का मतलब ये है कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। जिसने ये धारण किया, गर्व से धारण करो, डर के नहीं, कि हम सब एक, हमारा मालिक एक, हम ये मानने वाले हैं, हम सब धर्मों का सत्कार करने वाले हैं, किसी का निरादर नहीं करते। और इन गुरुओं ने, अंदर फोटो है, इन फकीरों ने हमें ये रास्ता दिखाया है, और इसका कोई अलग मतलब नहीं, अलग धर्म जात मजहब नहीं। इंसान, कई लोग पूछते हैं सत्संगियों से, आप अपने आप को इंसान कहते हो, हम क्या इंसान नहीं? आपको लगता है कि आज दुनिया में इंसान हैं? 100 में से कितने होंगे? बहुत कम। किसी को रोड पे तड़फता देख के गाड़ी को एक्सीलेटर दबा के भाग जाना, ये इंसानियत है? किसी को तड़फता देख के खूनदान देने की बजाय भाग जाना, भाग के अपना चेहरा छुपा लेना, क्या ये इंसानियत है? बिना वजह किसी लेटे हुए रोड के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, क्या ये इंसानियत है? किसी को राक्षसों की तरह नोच डालना, क्या ये इंसानियत है? छोटे छोटे बच्चों को लहू लुहान कर देना, क्या ये इंसानियत है? नहीं, ये शैतानियत है। लोग पूछते फिर हम क्या हैं? आप उन्हें कह तो नहीं सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इंसान का मतलब है दीन दुखियों को तड़फता दे के उसकी मदद करे, उसमें शामिल हो और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, इसी का नाम सच्ची इंसानियत है, मानवता है। तो यही रूहानी जाम से चलाया गया कि आप इसको माने, अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में अपनाएं, भले कार्य करें, पेड़ लगाओ, खून दान करो, जब भी समय मिलता है ये काम करते रहो। तो जिंदगी में आप वो कार्य करते रहते, साल में 12 पेड़ लगा दो, ऐसे ऐसे वो जो चीजें बोली गई उनको फॉलो करो, तो यकीनन मालिक आप पे रहमो करम की मूसलाधार बरसात करते रहेंगे। इंसान को अपने जमीर का सच्चा होना चाहिए। मुखौट पहने दुनिया में बहुत लोग घूमते हैं, और मुखौट इतने तरह के हैं कि आप पहचान नहीं सकते। दिखने में सीधा साधा भोला बड़ा मुखौट होता है, पर हम आपको सच्ची बात कहते हैं, आप नहीं बता सकते उस मुखौट के पीछे कोई राक्षस है कि देवता, कुछ पता नहीं। पर सतगुरु मौला ने, शाह मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने यहां इंसानियत का मुखौट पहनाया है, जिसने डूबती हुई इंसानियत को हजारों सैकड़ों बार बचाया है। यहां इतने भक्त जो बैठे हैं, पता नहीं कितने इनमें हैं जो दूसरों की गंदगी साफ करके आए हैं सफाई महाअभियान में, पता नहीं कितने भाई बहन बच्चे हैं, सुखदुआ समाज के बच्चे हैं, जिन्होंने खून दान करके पता नहीं कितनी जिंदगियों को बीमारी से निजात दिलवाई है। यहां वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने नियासरों को आसरा दिया, मकान बना के दिए, पूरे पूरे घर बना के दिए हैं। ये आसान कार्य नहीं है। क्या आपने दुनिया में सुना है
विवाह शादी की खुशी के दिन लोग ये फार्म भरते हों कि मेरे मरने के बाद आंखें निकाल लेना, मेरे मरने के बाद पूरा शरीर डोनेट कर देना मेडिकल साइंस को, कभी सुना है? हम तो जब तक जिंदगी वहां जी के आए तब भी नहीं सुना और बाद में भी नहीं सुना दुनिया में, सिवाय शाह सतनाम शाह मस्तान जी के प्यारों के। ये ऐसा कर रहे हैं, कई कहते गुरुजी शायद बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई उस भगवान की जो ये करवाता, आदमी में हिम्मत नहीं है कि ऐसा काम कर सके। शादी वाले दिन तो वन डे हीरो होता है हर कोई, कैमरे वाले आगे पीछे घूमते हैं, पोज बनाता है, ये वो, हर कोई उसी की जय जयकार होती है, दूल्हा राजा कहाँ है, दूल्हा राजा। और खा पी के नशा कर करके गोबर में बजा देता है बाजा, ये है दूल्हा राजा, हमने देखा है सर। मुझे यार दोस्त पिला देते हैं, चलो दूल्हा राजा बच भी जाएगा तो उसके सगे संबंधी तो जरूर ये काम करते ही करते हैं, और उसको भी पता ही नहीं चलता वो दिन गुजर कैसे गया, इतना हवा में उड़ता रहता है बेचारा, तो पैसे खर्च होते हैं वो अलग से, नशा करता है वो। हम नहीं कहते कि खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये अलग खुशी नहीं, ये नौजवानों का दिल गुर्दा अलग नहीं कि जीते जी गुर्दा दान का पर्ण करते हैं, मरने के बाद शरीर दान आंखें दान का पर्ण करते हैं, वो भी शादी वाले दिन, कई तो खून दान करके आते हैं शादी से पहले, ये बेमिसाल नहीं तो और क्या है। तो ये सब शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर की सच्ची शिक्षा है। किसको मालूम था ये चीजें करने का, किसको ज्ञान था? आप में से बहुत बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने शादियां करवाई, कहते होंगे यार काश अब करवाते तो मजा आ जाता, हम भी ये दान करते, तब सोची नहीं आई। होता ही है, हर किसी को होता है, जिनके अंदर जज्बात है, जिनके अंदर नहीं वो तो कहते चलो बढ़िया हो गया। तो भाई ऐसे जज्बात इंसानियत के सर्वोत्तम जज्बात है जो शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता ने इस दर में लोगों के अंदर पैदा किए। तो उस मुर्शिदे कामिल का जितना सत्कार किया जाए, जितना उनको नमन किया जाए उतना कम, जिन्होंने आज के दिन सच्चा सौदा बनाया, जामे इंसान पिलाया, जिससे लोग मानते नहीं लेकिन मुर्दे भी जिंदा हो उठे। लोगों को इतराज है कि ऐसी बात क्यों कहते हो, अब ऐसा हो रहा है तो तभी कहा जाता है। आप प्रत्यक्ष उन लोगों से मिल सकते हो जिनके साथ ऐसा हुआ, प्रत्यक्ष कैसे उनके साथ हुआ, वो बच्चे अब भी हैं, ऐसे ऐसे भयानक रोग, डॉक्टरों के भी रोग हुए तो वो भी आज ज्यों के, तो जैसे थायराइड का कैंसर हो गया या और कई तरह के कैंसर हुए, वो आज भी यहां सेवा कर रहे हैं, फेफड़े गल गए, उसके बावजूद राम नाम से रूहानी जाम से वो टल्ली हो गए, तो वो क्यों इनकार करेंगे और क्यों झूठ बोलेंगे, उनके पास सारी फाइलें हैं। फिर भी अगर आप ना मानो तो ना मानो, आपका मन है ना मानो नहीं मानते तो, लेकिन ऐसा हो रहा है। शाह सतनाम शाह मस्ताना जी दाता ने जो गुरु मंत्र दिया, जो रूहानी जाम पिलाया, उसकी वजह से, और ये रहती दुनिया तक होता ही रहेगा। हम गारंटी नहीं देते और हम नहीं कहते कि ऐसा चमत्कार होगा, पर यह गारंटी है अगर आप सुमरण करोगे, रूहानी जाम पी लेते हो, वचनों पे पक्के रहोगे, तो साईं मस्ताना जी ने बोला होगा जरूर, पर क्या होगा वो जानेगा जो देखेगा, करेगा भगवान, पाओगे आप, फकीर तो बताने वाला है। फकीर नहीं कहता कि मैं कोई चमत्कार दिखा दूं, वो दिखाता है और वो देखता है जो दृढ़ यकीन रखता है। श्रद्धा यकीन यही है जो मालिक के तमाम नजारे आपको दिला देता है। तो भाई वचनों पे रहते हुए दृढ़ यकीन के साथ जो आगे बढ़ते हैं वो ही मालिक की तमाम खुशियां बरकतों को हासिल करते हैं। तो शाह मस्ताना जी दाता रहबर का ये रूहानी धाम, रूहानी सूफी कॉलेज
सच्चा सौदा। यहां जो भी कार्य होते हैं मानवता भलाई के लिए, बुराइयां छुड़ाने के लिए, या पता नहीं कितने लोग बैठे हैं जो नशे में धुत रहा करते थे, पता नहीं कितने लोग बैठे हैं जो ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से ही जिंदगी जिया करते थे, और आज ईमानदारी, सच्ची भावना, इंसानियत और सारे नशे छोड़ के राम नाम से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी में ही नहीं उनके परिवारों की जिंदगी में भी बहारें छाई हुई हैं। कोई जिंदगी बख्श दे उसका ऋण कोई कैसे चुकाएगा। एक्सीडेंट से बच गया, पता नहीं क्या होना था और क्या होके रह गया, सिर्फ थोड़े से में दुख कट गया। जरा सोचिए उसके पास ऋण चुकाने को क्या है। किसी की बाजू कट जाती, किसी का पैर कट जाती, कोई चारपाई पे सारी उम्र गुजारता, पर मालिक का रहमो करम हुआ, राम का नाम ऐसा लिया कि उसने जरा सी खुरौंच, जरा सी कट से ही सारा कर्म बदल के रख दिया, पहाड़ से राई में बदल गया। तो कैसे करेगा वो शुक्राना, क्या वो अपने हाथ पांव पैसे देके नए ऐसे लगा सकता है। लकड़ी के लग सकते हैं, कुछ और लग सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं हो सकती जो कुदरत ने बनाया होता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं ना कि उस परमपिता परमात्मा का कोई ऋण चुका दे। एक ही तरीका होता है, बचनों पे पक्के रहिए, जिसने ऐसी जिंदगी बख्शी, रहमो करम किया, शुक्राना करते रहिए और मानवता भलाई के कार्यों पे दिन रात लगे रहिए, ताकि उनसे आपको तमाम खुशियां हासिल हो सके। तो वचनों पे जो रहते हैं, वचनों को जो मानते हैं, मालिक उन्हें ही खुशियां बख्शते हैं। एक होती है दिखावे की भक्ति, एक होती है मौका परस्त भक्ति। जब जरूरत पड़ी तो भक्ति कर ले, जरूरत नहीं तो भक्ति की जरूरत ही नहीं। घाटा पड़ने लगा फिर देखो कैसे राम 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 राम। अब जैसे ये भूकंप आया, हम गुजरात में गए थे, वहां 145 गांव, लगभग महीना डेढ़ महीना वहां सेवा की, और वहां जब हम गए थे उस समय भी एक 6.6 एक बहुत बड़ा झटका आया था, और टेंट में सेवादार थे, हम बाहर बैठे बातें कर रहे थे और ऐसे लगा किसी ने बम गिराया हो, बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त आवाजें आई थी। और छोड़ो, टेंट से सारे निकल के भाग लिए, धन धन सदगुरु तेरे आसरा, धन धन। हमने कहा आपका कौन सी कोठी गिर रही है, टेंट लगा हुआ है। और वहां जिनके घर गिर गए थे बेचारों के, एक एक घर से कोई दो मर गए, कहीं एक मर गया, कहीं सात मर गए, ऐसा था। हम उन गांव में गए, सारे राम 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 राम, गॉड गॉड। जब भी झटका आए, छोटे छोटे झटके आते रहे, तो राम राम राम। हमने कहा पहले कभी गाते थे, कहते गुरु जी पहले तो याद ही नहीं था। तो यहां भी पाप अत्याचार बढ़ जाते हैं, वहां ऐसी चीजें बढ़ती जाती हैं। कुदरत का अपना कानून है, कुदरत के साथ दोस्ती रखते हो, संभाल करते हो, तो वो आपकी भी संभाल करेगा। कुदरत से छेड़छाड़ करते हो तो उसकी छेड़छाड़ फिर बहुत बड़ी होती है। लेकिन इंसानियत के नाते हमारा फर्ज होता है कि ऐसे दुख दर्द में शामिल होके उनके दुख दर्द को दूर करना, और रोते हुओं को हंसाना, दुखी आत्माओं को मालिक के नाम से सुखी कर देना। तो प्यारी सत्संग जियो, महाराष्ट्र में भूकंप आया, सरसा में घग्गर नदी का बांध टूटने वाला था। सरसा निवासियों को पता होगा, सन हमें ख्याल में नहीं, शायद 90 में था, कुछ 90 के बीच में, 96 हो 97 8 ऐसा कुछ याद नहीं। तो सरसा शहर में सब जगह पानी आ गया था और एयर स्टेशन जो है वो भी डूबने वाला था। आर्मी लगी रही लेकिन बात बनी नहीं। तो तब शास्त्र राम जी
शाह मस्ताना दाता रहबर के आप में से बहुत से प्यारे बच्चे बैठे हैं, ये गए और शायद कई सौ मीटर लंबा बांध बांध दिया और घग्गर के नकेल डाल दी कि तू इधर नहीं आ सकती। सब लोग हैरान थे, दंग थे कि ये कैसे पॉसिबल है। सब लोग छोड़ के भाग गए थे, सामान निकालने को तैयार हो गए थे, लेकिन वो बांध बांध के। तब से ये शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में भूकंप आया था लातूर या किसी साइड में, तब भी सेवादार गए थे। तो हर जगह सेवादार पहुंचते हैं और अब भी पहुंचे और अब भी पहुंचेंगे, सामान वहां जा रहा है। तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने किया। अंडेमान निकोबार में आर्मी के 10 लोग पहुंचे थे और ये 21 पहुंच गए थे, छोटी छोटी कश्तियों पे, बड़ी कश्तियों पे सवार होके, और लोगों को पेड़ों से उतार उतार के उनकी जिंदगी बचाई थी। डॉक्टर थे बीच में टीम के। हम तब जाना चाह रहे थे और जगहों पे तो गए, लेकिन वहाँ कहने लगे गुरुजी पॉसिबल नहीं है, वहाँ कोई साधन ही नहीं है कि आपको पहुँचा पाए। तो प्यारी सत्संग जियो, ये सब नेकी भलाई के काम करना कहना आसान होता है। लोग वहाँ से भाग रहे हैं और सेवादार वहाँ जा रहे हैं कि हमने काम करना है, हमने लोगों की ज़िंदगी बचानी है। 72 घंटे बाद 133 पता नहीं कितने घंटों बाद लोगों को बचाया था। तो ये सब भगवान की कृपा है, उसकी दया में रहमत है। तो ये सच्चा सौदा किसी के लिए खतरा नहीं है, घबराओ मत। हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं, ना ये कोई अलग से सरकार है, ना ये अलग से कोई धर्म दीन मजहब है, और ना ही कोई इनका अलग से राज्य है। इस राज्य में रहते हैं जो देश भारत देश के नागरिक हैं सबके सब, और भारत देश के ही साथ मिलके पूरी दुनिया में इस देश की संस्कृति को फैलाना चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म सर्वोत्तम है, और कोई राजनीति, कोई यहाँ राजा पाजा कोई भी नहीं है। सो यही शिक्षा है यहाँ पे कि एक दूसरे की सेवा करो। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, जाके कंधे से कंधा मिला के उनके दुख में खड़े हो जाओ, उनको दुख दूर करने की कोशिश करो। तो साईं मस्ताना जी शास्त्र नाम जी दाता का ये दर अपने आप में एक अलग सेवा का दर है, इंसानियत का दर है। इनके जज्बात जबरदस्त हैं, इनके जज्बात इंसानियत से परिपूर्ण हैं। जब ये सारे सेवादार सेवा करते हैं तो फिर परवाह नहीं करते अपने आप की, पर वो मालिक परवाह करते हैं। वो जाने उसका काम, फिर लग जाते हैं तो कुआं खोद के प्रिंस को भी बाहर निकाल लाते हैं। तो प्यारे सत्संग जियो, ये साईं मस्ताना जी शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने सच्चा सौदा चलाया है, बनाया है इसमें सबका भला करने के लिए। किसी का बुरा तो सोचा भी नहीं जाता यहां। हर धर्म का सत्कार, हर किसी से प्यार, हर किसी से मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है इंसानियत की। कॉलेज है जिसमें पढ़ाया जाता है इंसानियत का पाठ। ये ऐसा कॉलेज है, यहां रूहानियत का पाठ पढ़ा के इंसान को भगवान तक पहुंचाया जाता है। ये वो स्कूल कॉलेज है, यहां गम चिंता टेंशन को मिटाने का सच्चा सबक पढ़ाया जाता है। अजी यह वो स्कूल कॉलेज है, यहां अगला जहान ही नहीं ये जहान भी संवर जाए ऐसा रास्ता बताया जाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से होकर धरातल पर अविरल बहता हुआ समुद्र में मिल जाने वाला मैं पानी हूं, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और आकारहीन, या यूं कहें कि भगवान ने मुझे कोई रंग ही नहीं दिया, क्योंकि यदि वो मुझे हरा रंग दे देते तो मुसलमान मुझ पर अपना हक जताते। यदि भगवा रंग दे देते तो हिंदू
मुझे किसी और का ना होने देते, और यदि मैं सफेद होता तो मुझ पर ईसाइयों का कब्जा होता। इसलिए मैं किसी एक का ना होकर सबका हूं, सभी का हूं। मेरा कोई रंग रूप आकार ना होते हुए भी मेरे कई रूप, कई रंग और कई आकार हैं। मैं नदी, बादल और भूमिगत प्रवाह से लोगों के लिए यदि जीवन हूं, तो बाढ़, बारिश और सुनामी के रूप में साक्षात मौत भी हूं। इस धरती का लगभग हर प्राणी मुझ पर निर्भर है। मेरे बिना इस धरा पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस धरती पर मैं कितने वर्षों से हूं, ये तो ठीक ठीक मैं भी नहीं जानता। पर हां, जीवन की शुरुआत मुझसे ही हुई है, ये मुझे अच्छी तरह याद है। लोग मुझसे लगाव भी रखते हैं और मुझसे डरते भी हैं। मेरे सकारात्मक और नकारात्मक पहलू से भी अगर आपको मैं परिचित कराता चलूं तो सही रहेगा। जब मैं अपने असली रूप में प्यासे की प्यास बुझाता हूं, दवा या अन्य पेय पदार्थों के रूप में लोगों के पेट में पहुंचता हूं, तब मेरा सकारात्मक रूप लोगों के सामने होता है। पर जब मैं शराब या अन्य नशीली दवाओं के रूप में लोगों के हलक से नीचे उतरता हूं, तब मैं इंसान को शैतान बना देता हूं। और फिर उस शैतान बने इंसान के आगे हर रिश्ता, हर नाता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। तब उसके सामने फिर ना कोई भाई होता है, ना बाप, ना माँ, ना ही कोई बहन और ना ही बेटी होती है। सदियों से मेरा यही काम रहा है, पर कलयुग में मेरा नकारात्मक रूप सबसे ज्यादा उभर कर आया है। आज शराब की नदियां बह रही हैं, नशीली दवाओं का कारोबार खुलेआम हो रहा है। मैं जीवन देने की बजाय जीवन लेने लगा हूं। मैं खुद हैरान हूं कि क्या बन गया मैं। अरे, मेरा काम अमृत बनने का था और मैं जहर बनकर ये क्या कर रहा हूं। हे भगवान, ये कैसा रंग दे दिया मुझे, कैसा रूप और कैसा आकार दे दिया, जो मानव को राक्षस बनाकर उससे हर दुष्कर्म करवाने का कलंक मेरे माथे आ पड़ा है। मैं चीखा, हे प्रभु, लोगों का मैल धोने वाला आज खुद मैला हो गया है। मुझ पापी को भी निर्मल करो, हे मालिक, मैं अमृत बनना चाहता हूं। ऐसा अमृत कि शैतान भी पिए तो इंसान बन जाए। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा और बार बार यही दुआ मांगता रहा। अंततः 29 अप्रैल 2007 का वह दिन आ ही गया, जब मेरी पुकार सुन ली और दे दिया मुझे रूप जामे इंसान सतगुरु का। किसी विशेष का ना होने वाला मैं सतगुरु का होकर पुलकित हो उठा। अपने इस नए रूप को पाकर मैं खुद भी हैरान था, क्योंकि जो भी मुझे पीता वो शैतान से इंसान बन जाता।
त्याग देता अपने सारे विकार और तैयार हो जाता इंसानियत के लिए। अपनी जान की परवाह किए बिना इंसान जुटने लगे बेगानों की जान बचाने, और उनके इस जज्बे से पता नहीं मौत ने भी कितनी बार इन इंसानों से मात खाई, और जिंदगी जीत कर पता नहीं कितनी बार मुस्कुराई। कहीं खून की कमी महसूस हुई तो इन इंसानों ने खून के टैंक भर भर कर पहुंचाए। लाखों बेगानों की रगों में मैं डेरा सच्चा सौदा के खून के रूप में बहने लगा। कलयुग के चरम पर लोग मिटती इंसानियत को देखकर अक्सर ताना मारते थे कि तेरा खून पानी हो गया है, लेकिन इस रूप में मैं पानी से खून बनकर लोगों की रगों में दौड़ने लगा हूं। इंसानियत फिर जिंदा होने लगी। सतगुरु के पावन स्पर्श से मैं ऐसा निहाल हुआ कि लोग मुझे इसी रूप में दवा के लिए भी प्रयोग में लाने लगे। अंधों को आंखें मिलने लगी, गूंगे राग मल्हार गाने लगे, और बहरों को भी सुनाई देने लगा। एड्स से ग्रस्त और कैंसर जैसे लाइलाज रोग मात्र मुझे पीने से ही ठीक होने लगे। मैं वास्तव में अमृत बन गया, और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि सबसे पहले स्वयं सतगुरु ने मुझे ग्रहण किया और आज भी करते हैं। बाद में बाकी सभी मुझे बड़ी ही श्रद्धा से पी जाते हैं। और यदि मैं यहां ये कहूं कि मैं अमृत से भी बढ़कर हो गया हूं तो कुछ गलत नहीं होगा। अमृत पीने से अहंकार की बू आती है कि मैं अमर हो गया हूं, लेकिन जामे इंसान पीने के बाद तो अहंकार भी आसपास नहीं फटकता। जामे इंसान के रूप में जब करोड़ों लोगों ने मुझे ग्रहण कर लिया तब उसका असर भी साफ नजर आने लगा। इस धरा को साफ रखने के प्रण को मैं भूल सा गया था, जिससे धरती पर गंदगी का साम्राज्य फैल गया। भयानक संक्रामक रोगों ने धरती वासियों को जकड़ना शुरू कर दिया। धरती पर त्राहिमाम मच गया। तब सतगुरु ने सुध ली धरती माता की। सतगुरु के पावन मार्गदर्शन में मुझे पीकर इंसान बने लोगों ने मिलकर बीड़ा उठाया इस धरा को साफ करने का। वो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप का नारा देकर सतगुरु ने हर ली धरती माँ की गंदगी और कर दिया इसे रोग मुक्त। दिल्ली से शुरू हुए इस सफाई महाअभियान ने अब तक ख्वाजा साहब की नगरी अजमेर, ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर, पावन नगरी पुरी के साथ साथ पवित्र गंगा मैया भी शामिल हैं। आज जामे इंसान के रूप में मुझे पीकर ये लोग बिल्कुल गंदा नाला बन चुकी मेरी यमुना जैसी नदियों की सफाई का जिम्मा उठाने को भी तैयार हैं। मेरा यह सकारात्मक रूप मेरे नकारात्मक रूप को खत्म करने पर जुटा है। जनकल्याणकारी कार्यों का कारवां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह नशों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इंसान इंसान के काम आने के साथ साथ जानवरों का भी भला करने की सोचने लगा है। अब बेटियों को लोग पेट में मरवाने की बजाय
डालने लगे हैं और अब उनसे भी वंश चलने लगे हैं। देश का किसान जागरूक हो रहा है, भूखों को भोजन और बेघरों को छत नसीब होने लगी है। गर्मियों में परिंदों को छतों पर मैं सहज ही उपलब्ध हो रहा हूं। समाज करवट ले रहा है और मैं कलयुग की चीखें साफ सुनने लगा हूं। मुझे बेपरवाह साईं मस्ताना जी के वो वचन याद आ रहे हैं जिनमें फरमाया गया कि चढ़ता झुकेगा, लहंदा झुकेगा, झुकेगा आलम सारा। और इस वचन को पूरा होने में मेरे सकारात्मक रूप जामे इंसान का आज अहम योगदान है। मैं सदा ऋणी रहूंगा पूज्य पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का, जिन्होंने मुझे ये नया रूप दिया और मेरी पुकार सुनकर मेरे नकारात्मक रूप को परिवर्तित कर मुझे जहर से अमृत बना दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।